अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, पीसीबी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। पीसीबी ने जो डोमेस्टिक का नया कॉन्ट्रैक्ट है वो वाजिया कर दिया है। खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस कौन से खिलाड़ी किस कैटेगरी में होंगे और किस खिलाड़ी को कितनी तनख्वाह मिलेगी, ये सब पीसीबी ने बता दिया है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पीसीबी का नया डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट मुआवजा कितना कर दिया गया है, खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स में क्रिकेटर्स का मुआवजा सालाना 36 लाख रुपए कर दिया है। एक बहुत बड़ी खबर है कि क्रिकेटर्स को सालाना कितना मिलेगा, 36 लाख रुपए। डोमेस्टिक सीजन 2022 ख़त्म होने के बाद पीसीबी के क्रिकेटर्स के साथ मुआहदे तय पा गए हैं, जिनमें गुज़श्ता डोमेस्टिक सीजन में 191 मुतहरक खिलाड़ियों को 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। ये 5 कैटेगरीज ए प्लस, ए, बी, सी और डी हैं। कैटेगरी के लिहाज से खिलाड़ियों का मुआवजा भी मुख्तलिफ रखा गया है। ए प्लस कैटेगरी में 14 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हसनैन, फहीम अशरफ और दीगर शामिल हैं। इन्हें महाना 3 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। ए कैटेगरी में 37 खिलाड़ी हैं, जिनमें रोहिल नज़ीर, अहमद शहजाद, उमर अकमल, असद शफीक और दीगर शामिल हैं। इन्हें महाना 2 लाख रुपए तनख्वाह दी जाएगी। बी, सी और डी कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को बलतरतीब 1,85,000 रुपये, 1,75,000 रुपये और 1.5 लाख रुपये तनख्वाह मिलेगी। इन कैटेगरीज में आज़म खान, जमान खान और हसन नवाज और दीगर खिलाड़ी शामिल हैं। इस तनख्वाह के अलावा खिलाड़ियों को मैच फीस और दीगर अलाउंसेज में इजाफी आमदन भी होगी। तो इस खबर के मुताबिक खिलाड़ियों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और नए कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ हो गए हैं और खिलाड़ियों को अब हर माह के लिए उनकी जो फीस होगी और उनको जो तनख्वाह मिलेगी वो सब कुछ पीसीबी ने बता दिया है। अगर हमारे चैनल के ऊपर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।